अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ एक वर्कशीट, तीन हरफी जोड़ अल्फाजों के लिए एक वर्कशीट। तो चलिए उसे करते हैं। तीसरी जो वर्कशीट है उसका सवाल है, चौकोन में दिए गए अल्फाजों को पढ़कर यकसा दिए गए अल्फाज के नीचे निशानदेही कीजिए। तो हमको कैसे निशानदेही करना है? पहले इस चौकोन के अल्फाज को पढ़ना है। क्या है ये? पे अलिफा काफ पाक। इसी के सामने आपके तीन अल्फाज और दिए गए हैं। ये तीन अल्फाज में से आपको तलाश करना है कि पाक कौन सा है। तो याद, और ये है पे अलिफा काफ पाक और जी मलिफ जा नून जान। तो यहाँ पर हम पाक है, इसलिए हम यहाँ पर पाक के ऊपर सर्कल करेंगे, निशानदेही इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ चौकोन में कौन सा अल्फाज लिखा हुआ है? छः अलिफ चार रे चार। तो यहाँ पे आपको तलाश करना है, ये है सीन रे का पड़क सड़क, ये है शीन रे मीम रम शीन रे मीम रम शरम, ये है चे अलिफ चारे चार। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्कल करना होगा या निशानदेही करनी होगी। आप चाहे तो सिंपल सी लाइन भी बना सकते हैं, या चौकोन कीजिए या राइट का मार्क कीजिए। अब देखिए थर्ड लाइन में क्या है? खै दाल अलिफ दा खुदा, स्वाद दाल रे दर सदर खुदा, खै दाल अलिफ दा खुदा, ऐन रे फे उर्फ ऐन रे फे उर्फ। तो इस तरीके से आपको खुदा चौकोन में है, तो यहाँ पर खुदा ये लफ्ज़ है, तो इस लफ्ज़ के ऊपर आपको सर्कल करना है। अब यहाँ पर देखिए ऐन अलिफ गा रे गार, ये लिखा हुआ है फे रे दाल फर्द, ऐन अलिफ गा रे गार और फे रे ज़ाद फर्द। तो आप कहाँ पर करोगे? यहाँ पर गार है, इसलिए यहाँ पर भी आप गार पर ही सर्कल दायरा करोगे। जिक्र जाल काफ रे जिक्र, है मीम दाल हम जाल काफ रे जिक्र मीम वाव मौ ते मौ। तो आपको किसके ऊपर दायरा बनाना है, किसके ऊपर निशानदेही करनी है? जिक्र के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए गाफ रे मीम रम गरम, यहाँ पे लिखा है नून रे मीम रम नरम, शीन रे मीम रम शरम, गाफ रे मीम रम गरम। तो यहाँ पर चौकोन में गरम है, इसलिए हम इस गरम के ऊपर सर्कल दायरा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वाली वर्कशीट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अभी हम देखते हैं अगली वर्कशीट। देखिए तस्वीर देखकर तस्वीर के सही नाम पर दायरा बनाओ। अब जहाँ से जहाँ यहाँ पर आपको पहले तस्वीर की शनाख्त करनी है, कौन सी तस्वीर है? बाघ की तस्वीर है। तो आपको इन तीनों नामों में से बाघ पहली बाग इन बाग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा हुआ था, इसलिए हमको क्या करेंगे इसके ऊपर दायरा बना देंगे। अब ये तस्वीर की आपको शनाख्त करनी है, तस्वीर कौन सी है? ये तस्वीर है आटा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ही लिखा हुआ अलिफ मद आटे अलिफ टा आटा। तो हमने यहाँ पर आटे के ऊपर इस तरीके से दायरा बना देना है। अब ये देखो बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फलों की टोकरी, इसे समर कहा जाता है उर्दू में। तो यहाँ पर आपको समर तलाश करना है। तो ये लिखा हुआ जी मलिफ जान नून जान नून वा नू है नू और ये से मीम रे मर समर। तो हम कहाँ पर, ये समर की तस्वीर है, इसलिए हम यहाँ पर समर के ऊपर दायरा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है रेल, तो अलिफ ता काफ ता दाल आइन अलिफ आ दुआ रे ये रे लाम रेल। तो आप यहाँ पर ये रेल की तस्वीर है, इसलिए आप यहाँ पर रेल पर ही दायरा बनाएंगे। अब ये है गार, अब यहाँ पे आपको तलाश करना है इन अल्फाजों में गार कौन सा लफ्ज। ऐन रे बे रब अरब ऐन अलिफ गार ए गार पे रे दा पर। तो यहाँ पर देखिए गार ये वाला लफ्ज है, तो हम इसके ऊपर अच्छे से दायरा बना देंगे। अब ये है सड़क, कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही? सड़क, तो सीन रे का फड़क सड़क पहले ही हमको मिल गया, हम इसके ऊपर दायरा बना देंगे। अब यहाँ पर लिखा है ये कौन सी तस्वीरें पहचानिए, पहले ये है कलम की। तो हम यहाँ पर इन तीनों में किन कौन सा अल्फाज कलम है, पहले हमको ये पहचानना है, जिस्म इल्म और कलम। तो यहाँ पर ये है कलम, तो हम इन इस अल्फाज के ऊपर हम क्या करेंगे? दायरा बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जिस्म दिया हुआ है, जिस्म, तो आपको जिस्म इस लफ्ज़ की तलाश करना, जीम सीन में जिस्म। तो हमने यहाँ पर जिस्म के ऊपर तलाश करके इस तरीके से जीम सीन में जिस्म पर दायरा बनाना। ये है उर्दू हिंसा चार, तो यहाँ पर आठ चार पाँच चेलिप चार ए चार ये वाला लफ्ज़ है, तो आपको इसके ऊपर अच्छे से दायरा बनाना है। अब ये है गरम नरम सबर, अब देखिए चाय का प्याला, तब इस यहाँ आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि ये गरम होती है, तो हमें यहाँ पर
गरम के ऊपर निशानदेही करना, गाफ रे मिम रम गरम। तो यहाँ पर हमने ये गरम पर निशानदेही किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी किस तरीके से करना है, और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत ही मददगार साबित होगी। तो अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या हमारी वर्कशीट्स या हमारी वीडियोस आपके लिए मददगार साबित होते हैं तो इसे प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर से एक बार मिलेंगे नई वीडियो में नए मज़मून के साथ।